हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे काफी बर्निंग टॉपिक पे जो है सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पैनल कोड, जिसका संबंध क्रुएलिटी से है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लीगल अवेयरनेस काफी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो है सेक्शन 498A पे ऑफ इंडियन पैनल कोड, जिसका संबंध क्रुएलिटी से है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि सेक्शन 498A के तहत क्रुएलिटी का क्या मतलब होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट क्रुएलिटी करता है, या फिर हस्बैंड का रिलेटिव, दैट मींस हस्बैंड के माता या पिता या उसका भाई या बहन अगर क्रुएलिटी करता है उस हस्बैंड के वाइफ के साथ, ठीक है, तो यही माना जाता, तो उसको सजा होगा सेक्शन 498A के तहत, ठीक है, क्योंकि उसने क्रुएलिटी किया और एक क्रुएलिटी अपराध है सेक्शन 498A के तहत। तो उसको सजा होगी, कितने वर्ष की होगी, तो कम एक्सटेंड टू 3 इयर्स, मतलब 3 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। क्लियर दोस्तों? तो अब काफी ज्यादा ये जरूरी है, तो एक बात इस सेक्शन को पढ़ने से समझ में आ गया कि जो अपराध है सेक्शन 498A का वो किसके द्वारा होगा, या हस्बैंड के द्वारा होगा या फिर हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा होगा। क्लियर? दूसरा कि अगर अपराध होगा तो किसके विरुद्ध होगा, तो वुमेन के विरुद्ध होगा, या वुमेन को, तो वाइफ के अगेंस्ट होता है ये अपराध, ठीक है। क्लियर? और इस क्रुएलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये समझिए कि अगर हस्बैंड कुछ ऐसा एक्ट करता है जानबूझ के, स्वेच्छा से, जिसका इस प्रकार का नेचर है उस एक्ट का कि उस एक्ट को करने के कारण वाइफ जो है सुसाइड भी कर सकती है, ठीक है, तो वो माना जाएगा कि वो क्रुएलिटी है। या फिर ऐसा कोई एक्ट जिससे, ऐसा कोई कार्य जिससे वाइफ को इंजुरी हो, ठीक है, या फिर उसके शारीरिक या शारीरिक मानसिक प्रताड़ना हो, तो यह माना जाएगा कि वह क्रुएलिटी है। क्लियर? नेक्स्ट जो है क्रुएलिटी का डिफिनेशन, वो यह है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट उसको उसको हरास करता है, ठीक है, उसको प्रताड़ित करता है, ठीक है, या फिर हस्बैंड वाइफ से, या फिर वाइफ से जुड़े किसी भी रिलेटिव को, मतलब कि वाइफ के फादर को, मदर को, या उसके भाई को प्रताड़ित कर रहा है। यहाँ पे प्रताड़ित करने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि उसको कोर्स करना, मतलब उसको डराना, धमकाना, ताकि कुछ प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या यूं कह लीजिए कि डाउरी का मांग पूरा किया जा सके, तो उसे हम कहते हैं क्रुएलिटी। फिर से रिपीट करते हैं, अगर कोई विलफुल कंडक्ट, जानबूझ के कोई ऐसा कार्य करता है, कोई मतलब हस्बैंड या हस्बैंड का कोई रिलेटिव, ताकि वाइफ जो है, दैट मींस उस हस्बैंड की वाइफ जो है क्या कर सके, सुसाइड कर ले, तो वो क्रुएलिटी है। या फिर ऐसा कोई एक्ट जिससे कि इंजुरी हो वाइफ को, या फिर वाइफ के जान को खतरा हो, या शारीरिक या मानसिक उसको प्रताड़ित किया जाए, तो वो क्रुएलिटी होता है। क्लियर? और दूसरा कि अगर वाइफ को हरास किया जा रहा है, या वाइफ के रिलेटिव को हरास किया जा रहा है, वाइफ के रिलेटिव को मतलब कि उसके फादर या मदर को, या फिर कोई अन्य रिलेटिव को, ब्रदर सिस्टर को, तो वो भी क्रुएलिटी माना जाएगा। अगर हरासमेंट के पीछे का उद्देश्य यह है कि उसको डरा धमका के डौरी का, डौरी मतलब होता है दहेज का मांग को पूरा किया जा सके, तो वो क्रुएलिटी माना जाएगा। और ऐसा करने वाले व्यक्ति को सेक्शन 498A के तहत इंडियन पैनल कोड का सजा होगा, और सजा कितना होगा, तो 3 वर्ष तक का सजा हो सकता है, कारावास और फाइन भी। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों कि ये जो अपराध है ये किसके द्वारा चलाया जाएगा, मुकदमा किसके द्वारा होगा, तो ट्राइबल है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा, ठीक है, तो ये मुकदमा, इस अपराध का मुकदमा कौन चलाएगा, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास चलाएंगे। और अब आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर, तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि ये नॉन रिलेबल है, कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति पे इस सेक्शन का मतलब क्रुएलिटी का चार्ज लगता है, तो उसको बेल एज अ राइट के तौर पर उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिलेबल ऑफेंस है। क्लियर? लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस होने का मतलब ये नहीं है कि इसको बेल नहीं मिलेगा, बेल मिलेगा अगर जो कंडीशन दिया गया है सेक्शन 437 में सीआरपीसी का, फिर से रिपीट करते हैं, सेक्शन 437 में जो दिया गया सेक्शन है सीआरपीसी का, अगर उस कंडीशन को फुलफिल किया गया तो उसको बेल मिल सकता है, लेकिन ये मजिस्ट्रेट तय करेगी कि बेल मिलना चाहिए कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो एक्यूज्ड एज ए मैटर ऑफ राइट बेल नहीं ले सकता है। क्लियर? अब लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसका इस अपराध का नेचर क्या है, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है कहने का मतलब कि ऐसे अपराध में पुलिस विदाउट वारंट, ठीक है, या फिर विदाउट ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकती है, इसी कारण से इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। क्लियर?
और ये नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। दैट मीन्स ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कहने का मतलब कि अगर इस व्यक्ति पे कोई किसी व्यक्ति पे इस ऑफेंस का आरोप लगता है तो विक्टिम और एक्यूज के बीच में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता इस अपराध को लेके। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, कि अगर कोई एक्यूज है इस अपराध का और कोई विक्टिम है इस अपराध की, तो उस दोनों के बीच में कंप्रोमाइज कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नॉन कंपाउंडेबल है। क्लियर, एकदम इस बात को ध्यान दीजिएगा। तीसरा है कि आखिर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगी अपने संज्ञान में इस अपराध को लेगी तो किसके इंफॉर्मेशन पे लेगी। तो जब हम लोग पढ़ते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 198A, तो हमें यह समझ में आता है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है या मजिस्ट्रेट जो है इस अपराध के संबंध में संज्ञान लेगी किसके इंफॉर्मेशन पे, तो उस एग्रीव्ड दैट मीन्स की इस वाइफ के इंफॉर्मेशन पे, ठीक है, या फिर वाइफ के रिलेटिव के इंफॉर्मेशन पे, वाइफ के रिलेटिव के इंफॉर्मेशन पे, मतलब उसके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, क्लियर, या फिर पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेगी सेक्शन 490 सेक्शन 198A के तहत सीआरपीसी का। क्लियर दोस्तों, आपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है कि जो प्रताड़ना हो रहा है महिलाओं के साथ, एक तो उसको रोकने के लिए, उस प्रताड़ना को रोकने के लिए ही इस सेक्शन 498A को लाया गया आईपीसी। और दोस्तों ये जानना भी जरूरी है कि जो आईपीसी जब बना था तो उस वक्त इस सेक्शन को इंसर्ट नहीं किया गया था। इसको आईपीसी में कब जोड़ा गया है, तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 के माध्यम से जोड़ा गया। क्लियर, अब आते हैं कि अब इतना पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया कि ये जो अपराध है होता है हस्बैंड के द्वारा, ठीक है, वाइफ के अगेंस्ट, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि वाइफ भी हस्बैंड को प्रताड़ित करती है, तो उसको उसके पास क्या रेमेडी है। तो दोस्तों सजा के तौर पर देखिए, तो अगर वाइफ अपने हस्बैंड को प्रताड़ित करती है तो उसके पास वो कोई अपराध कर नहीं रही है, ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत ही बड़ा इशू है कि चलते हैं मान लेते हैं कि वाइफ प्रताड़ित करती, वाइफ को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन ऐसा भी तो होता है आज के डेट में कि वाइफ भी प्रताड़ित कर रही है हस्बैंड को, तो हस्बैंड के पास क्या रेमेडी है। तो हस्बैंड बस इतना ही कर सकता है, उस पर कोई कानूनी केस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी अपराध का, क्योंकि कोई अपराध नहीं हो रहा, क्रुएल्टी अगर वाइफ कर रही है तो यह नहीं माना जाएगा कि वाइफ कोई अपराध कर रही है, लेकिन हस्बैंड के पास एकमात्र रेमेडी क्या है, वह कि वो उस आधार पर सिर्फ डाइवोर्स ले सकता है। क्लियर, अब आते हैं तो हम लोग रेमेडी जाने। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि आखिर इसका क्या डेफिनेशन है और इसका क्या सजा है, ठीक है, और हम लोगों ने यह जाना कि ये जो अपराध है किस कोर्ट या किस मजिस्ट्रेट के द्वारा चलाया जाएगा इसका मुकदमा, क्या ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, इस अपराध को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इस अपराध का कोर्ट कॉग्निजेंस तभी लेगी अगर इस अपराध के संबंध में इंफॉर्मेशन किसके द्वारा दिया गया है, इसके लिए हम लोग देखते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 198A, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है हम लोगों ने इस वीडियो में जाना, ठीक है, उद्देश्य क्या है कि वुमेन को जो वाइफ है उसको जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसको रोका जा सके, और ये जाना कि अगर क्रुएल्टी वाइफ करती है हस्बैंड के अगेंस्ट तो उस हस्बैंड के पास क्या रेमेडी है, ठीक है, ये हम लोगों ने जाना। और दोस्तों ये जानिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आज का, कि चलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड पे झूठा आरोप लगाती है क्रुएल्टी का, प्रताड़ना का, तो हस्बैंड के पास क्या रेमेडी है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जान लीजिए कि हस्बैंड इस केस में, अगर मान लीजिए कि वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट क्रुएल्टी का सेक्शन 498 का केस किया है, तो हस्बैंड उसके साथ यही रेमेडी है कि देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर हस्बैंड पे क्रुएल्टी का केस हो गया तो उसको कोऑपरेट करना है कोर्ट के साथ, कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको चलना है, ठीक है, और डरना नहीं है, क्योंकि अगर वो उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसको झूठा ऑफेंस लगाया गया है अपराध, ठीक है, मुकदमा चलाया गया, अगर झूठा आरोप लगाया गया वाइफ के अगेंस्ट, तो अगर इस बात साबित हो जाता है तो हस्बैंड के पास जो रेमेडी है वो ये है कि वह वाइफ के अगेंस्ट, वाइफ के रिलेटिव के अगेंस्ट आईपीसी के धारा 211, 182 और 499 के तहत मुकदमा दायर कर सकता है। फिर से रिपीट करते हैं कि अगर झूठा क्रुएल्टी का मुकदमा हस्बैंड के ऊपर लगाया गया है, हस्बैंड के रिलेटिव के ऊपर, तो हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव के पास उस ऑफेंस के अगेंस्ट में जो जो रेमेडी है
वो यह है कि वह वाइफ या वाइफ के रिलेटिव के अगेंस्ट भी मुकदमा कर सकते हैं, और वो किस धारा के तहत होगा इंडियन पैनल कोड का, तो 211, 182 और 499। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।